प्रत्येक कार्य बुद्धि से करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्यों? आइए देखते हैं आज की वाणी में। जय राम जी की। दिनांक 22 दिसंबर स्वामी लीलाशाह वाणी में आपका स्वागत है। आज का विषय है सत्संग करो। स्वामी लीलाशाह महाराज जी ने कहा है कि सत्संग अर्थात सत का मिलाप। सत्संग सुनकर भक्ति करो। प्रत्येक कार्य करना चाहिए बुद्धि से। जो भी इंद्रियां काम करती हैं उनसे मन लगता है तब काम किया जा सकता है। सुनने की इंद्रियां तब सुन सकती हैं जब मन भी उनसे मिलाया जाता है। देखने की इंद्रियां तब देख सकती हैं जब आंखें मन से मिलाई जाती हैं। यदि मन न लगा हो तो न सुना जा सकता है और न देखा जा सकता है। सत्संग से भगवान की भक्ति में मन मिलाया जाता है और भक्ति की जा सकती है। जय राम जी की। वह मनुष्य धन्य है जो जीवन मुक्त है, जिसके मन में संतोष और वैराग्य है, क्योंकि वैराग सुख की नींव, आनंद का पिता है। जय राम जी की। तारीख 22 दिसंबर स्वामी लीलाशाह वाणी में तवां जो स्वागत आए। अज जो विषय आए सत्संग करो। स्वामी लीलाशाह महाराज जिन चवन था त सत्संगी माना सत जो मिलाप। सत्संग बुद्धि भक्ति करो। हर को कम करण खपे बुद्धि सा। जेके भी इंद्रियों कम कन थियूं उनन सा मन लगे थो तदें कम करे सकजे थो। बुधण जी इंद्री तदें बुधी सके थी जदें मन भी उन सा मिलायो वञे थो। ॾिसण जी इंद्री तदें ॾिसी सके थी जदें अखियूं मन सां मिलाइजन थियूं। जेकॾहिं मन न लॻल हुजे त न ॿुधी सघिजे ऐं न ॾिसी सघिजे। सत्संग सां भॻवान जी भक्तिअ में मन मिलाइजे थो ऐं भक्ति करे सघिजे थी। जय राम जी की। उहो मनुष्य धन्य आहे जो जीवन मुक्त आहे, जंहिंमें संतोष ऐं वैराग आहे। जय राम जी की। भीख बिना मां प्रीत जो मुंहिंजी लॻी आहे तो सां कॾहिं न छिना मां। ओ साईं प्रीत जो मुंहिंजी लॻी आहे तो सां कॾहिं न छिना मां। ओ लीलाशाह तुंहिंजे दर तां इहा भीख बिना मां हरदम तू ही निवास करे। ओ मन मुझे में प्यारा साई हरदम तू ही निवास करे। ओ प्रीत सदा मुझी वधंदी रहे। ओ प्रीत सदा वधंदी रहे। छॾिया कर मत किना मां।
सा कदर छिन्ना मा ओ लीला शाह।